और होमवर्क डिस्कशन कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले बुक का क्वेश्चन नंबर 17। बस मुझे सजेस्ट करना कैसे बनाना है, हम बनाएंगे इस क्वेश्चन को, बनाना है हम लोगों को। कब आया था ये भी क्वेश्चन एग्जाम का है, नवंबर 2018 में। तो अब एक बात तो हमको समझ में आ गई कि कैपिटल वेस्टिंग अकेला चैप्टर निकाल देगा अटेम्प्ट बस अच्छे से। बाकी यार ऐसे ऐसे चैप्टर है कि आपको लगेगा यार ये तो टाइम पास है, लेवरेज जैसे है यार, चार क्लास में तीन फॉर्मूले में खत्म चैप्टर। यही चैप्टर है जो सबसे मुश्किल है जो हमने पहले उठा लिया। टेंशन खत्म, मुश्किल काम पहले खत्म करो। और एक रेशियो एनालिसिस उसमें तो आप एक्सपर्ट हो, उसमें मेरी जरूरत पड़ेगी। नहीं नहीं हम कैसे छोड़ सकते। अच्छा क्वेश्चन, हाँ जी स्टार्ट करें पढ़ाई। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा पीडी लिमिटेड एन एग्जिस्टिंग कंपनी प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। लाइफ कितना साल है? 8। कॉस्ट कितना है? 2,40,00,000। और लाइफ है 8 साल, और 8 साल के बाद रेसिडुअल वैल्यू दिया है 0, मतलब यार हमारा सैलरीज नहीं। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल लगेगा 30,00,000। और 100% कैपेसिटी पर कितना यूनिट से प्रोड्यूस करेंगे? 2,00,000। पर जरूरी नहीं है कि 100% ही प्रोडक्शन हो। फर्स्ट ईयर में 40,000, 60,000, सेकेंड ईयर में 80,000, 3 to 5 140,000। इसका मतलब हर साल का 1 टन। और कोई कुछ बच्चे पिछली बैच में मुझको बता रहे थे सर तीसरे से पांचवें मिलाकर 140, इसी बैच में 6 to 8, 1,20,000। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना ले रहा है? 200। वेरिएबल कॉस्ट है 40%, तो कंट्रीब्यूशन बोलो कितना? 60%। तो पर यूनिट तो निकल सकता है 200 का 60%, 120, 120 रुपया कॉन्ट्रीब्यूशन। एक इतना यूनिट से तो हम कॉन्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करेंगे, यूनिट से लिखेंगे। किया इस टाइप का क्वेश्चन, पहले यूनिट से आएगा फिर फिक्स कॉस्ट 30,00,000। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है। इनकम टैक्स रेट है 25%, डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है? SLM। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%, कैरी फॉरवर्ड तो मैं नहीं बताया, तो आपको पता है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड होता है ना, टैक्स सेविंग सेट ऑफ हो जाता है। यहाँ लिखा है लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, इसका मतलब सेट ऑफ कर सकते हैं कि नहीं, अगर इस साल क्या प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बस यही पूछ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बस मुझे इतना बताओ, अगर मेरा आगे तो मैं कैरी फॉरवर्ड कर नहीं सकता, अगर पहले से किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं तो क्या मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ? कर ही नहीं सकता। फिर तो वहां मेरा टैक्स क्या आएगा? ना तो टैक्स आएगा, ना तो टैक्स सेविंग्स, मुझे क्या लेना पड़ेगा? 0। कैरी फॉरवर्ड तो नहीं कर सकते, सेट ऑफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर हम, अगर कुछ नहीं बोला तो हम ये एज्यूम करते थे कि क्या करना होता था, टैक्स सेविंग हम सेट ऑफ करते थे अगर कुछ ना दिया, पर ये लाइन दिया
आपकी जो कंपनी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, सेट ऑफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सवाल है, कर सकते हैं, पर अगर नई कंपनी है तो क्या लिखा है एचएसटी। तो सुनो, सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं हम लोग, सीएफटी। होमवर्क मांगना मत, क्योंकि आप भी थक जाओगे आज इतने होमवर्क मिलेगा ना, बहुत होमवर्क मिलना। तो वर्किंग नोट नंबर वन, कैलकुलेशन ऑफ सीएफटी। कैसे करने का दिया, 1 2 3 4 5 6 7 है ऐसा। वन टू थ्री और कुछ है क्या, वन टू थ्री, वन टू थ्री के बाद नहीं, वन टू भर है यार इसमें, थ्री टू फाइव, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखे यार, यूनिट्स लिख लेते हैं, कितना कितना है, 60,000, 80,000, 80,000। तब यहां जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, एक यूनिट का है 120, जो आगे जा रहे हैं आगे ना जाए काटना पड़ सकता है, सावधान, ठीक है, मैं पहले ही बता, बाकी मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा, 120 से मल्टीप्लाई करो 60 72 लाख 96 लाख 1 crore 8 lakh, ठीक ठीक ठीक, आगे 1 crore माइनस क्या करोगे, फिक्स फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है क्या, 30 लाख, कहाँ दिया है भाई 30 लाख, अगर होता, मैं देखना चाहता हूँ कॉस्टिंग का कितना नॉलेज है, अगर होता फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ₹5 2 lakh into 5, 10 lakh, 10 lakh, 10 lakh, 10 lakh, 10 lakh, ठीक कर गया कुछ, तो फिक्स कॉस्ट 30 लाख, तो यहाँ कितना आ जाएगा 30 लाख, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है क्या, कैसे पता, यहाँ कितना टीसी आएगा या 30 लाख, टीसी तो अब जो आएगा उसका नाम क्या लिख दे, सी एफ बी टी, चाहो तो डेप्रिसिएशन भी है माइनस कर सकते, अच्छा एक्सपेंसेस भी है क्या यार, माइनस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, कितना कितना है 50 लाख, 25 लाख, 10 लाख, 5 लाख, अब तो कुछ नहीं है ना, ठीक है,
अभी क्या जाएगा यहाँ, सी एफ डी टी, डेप्रिसिएशन अलग से माइनस, लॉस कितना, थोड़ी 1 लाख, वन करोड़, वन जीरो माइनस क्या करोगे, डेप्रिसिएशन, दो करोड़ 40 लाख, डिवाइडेड बाय 5, सैलवेज है 30 लाख, आगे यहाँ कितना आ रहा, अच्छा बताओ यहाँ कितना आ गया हमारा प्रॉफिट, 38 लाख, 11 लाख, 98 लाख, 10 लाख का रेट क्या है, 25% के हिसाब से, दिख रहे हैं क्या हम लोग, जीरो, सेट ऑफ भी नहीं कर रहा, हाँ ऐसा है, पर यार क्योंकि स्पेसिफिकली लिखा कि कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है तो पता नहीं गलत है ट्रीटमेंट, तो उन्होंने कहा सेट ऑफ भी नहीं करना, वो बोलना ये चाह रहा था कि सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते, इसी वजह कैरी फॉरवर्ड, तो दूसरे साल सेटअप तो कर ही सकते हैं, मैं कहां मना कर रहा हूं, पर पता नहीं आईसीए का क्या मानना कि यार वो लाइन स्पेसिफिकली दिया है इसलिए बोल रहा है कि लॉस को एडजस्ट मत करना करके, ऐसा जो उसने सॉल्यूशन बनाया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं बाकी, इसलिए क्वेश्चन करवाया मैंने सर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये लाइन स्पेसिफिकली दी गई तो अभी तक टैक्स सेविंग्स वगैरह पे ज्यादा दिमाग मत चला, नहीं करना है ना कैरी फॉरवर्ड होना ना सेट ऑफ, यहां सिर्फ कैरी फॉरवर्ड के विषय में लिखा है और कैरी फॉरवर्ड हमारे टैक्स की भाषा में अगले साल होता है, पर यहां बोल रखी कहीं भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते कैरी फॉरवर्ड नहीं कर, ये मान के उसने क्वेश्चन बनाया, मेरा काम ये है कि जो इंस्टीट्यूट ने करवाया वो मैं आपको करूँ, ठीक है, इसके बाद तो हो ही सकता, 2 लाख, ठीक है, 24 लाख, 50,000, 19,75,000, सीएबीटी को मान ले लेते हैं और टैक्स को 2 ले लेते हैं, तो ये आ गया हमारा सीएफबीटी,
तो नेगेटिव को नेगेटिव लिख देंगे यार, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी, 8 लाख। अब वो वाला टेबल बनाएंगे हमारा मेन, ये जी है हाँ, प्रेजेंट वैल्यू बनाते बनाते खत्म करते कुछ, तो लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ एनपी। टेबल अगर याद होगी ना तो फिर हर क्वेश्चन बन जाएगा। यस, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का रेट क्या दिया है जरा बताओगे क्या? 10। सबसे पहले आएगा कैश आउटफ्लो, कॉस्ट ऑफ मशीन, जीरो वन 2,40,00,000। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल कितना लग रहा है? 30,00,000। और तो कुछ लगेगा नहीं, टोटल मार लेते। कैश इनफ्लोस सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? सी एफ ए टी, और सी एफ ए टी आपने बनाया है वर्किंग नोट नंबर 1। वन टू थ्री टू फाइव और क्या था 6 to 8। फर्स्ट ईयर का फैक्टर 909, 826, 8,00,000 माइनस। वैसे एनपीवी पूछ रहा है कि कुछ और पूछ रहा है? हाँ, एक बार हुआ ऐसे ही था, डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड पूछा, मैं निकाल कुछ और रहा था। 8,00,000
38,25,000 103 lakh passengers 89,20,000 कुछ बच्चे सेल्वेज वैल्यू भूल जाते हैं, आदत होती है, और सेल्वेज वैल्यू नहीं है तो वर्किंग कैपिटल भूल जाते हैं, होते हैं कुछ बच्चे। मैं आप ही की बात कर रहा था, कुछ कुछ मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई और समझ रहा, हो जाता है ऐसा कभी कभी। वर्किंग कैपिटल 8वें साल में। अच्छा। और वर्किंग कैपिटल कुछ कहे ना कहे पूरा रिकवर होता, हम भी जानते हैं। 30 लाख कौन सा ईयर का फैक्टर को क्या आएगा? 4-6 ये भूल जाओगे आप बस, बाकी तो आ ही जाएगा। ये मुझे फाइनल आंसर चाहिए। एनपीवी डबल 1 डबल 8 एनपीवी पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट कर लेना। सबका क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 मुझे मालूम। एक बार क्वेश्चन नंबर 12 समझा तो दूं कैसे करना है ना, हो गया एक। माइनस का मतलब समझ रहे हो ना यार, पैसा जाएगा। सी जीरो का मतलब ईयर है, ईयर कैश फ्लो आज का, एक साल बाद का। कुछ नहीं करना है, पहले में पे बैक पीरियड निकालना है, निकल जाएगा। और फिर डिसीजन पूछा, आराम से बन जाएगा। और किया भी है बच्चों ने, होमवर्क देने से पहले ही कर लिया, तो ये होमवर्क है आपके लिए। आंसर एक्सेप्ट, एनपीवी पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट। अब एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करना है, बेसिक्स ही है, आज ख़त्म होने वाला है, और आज ही रिप्लेस एक नया टॉपिक भी स्टार्ट होता है। पर एक और वैरायटी का क्वेश्चन बचा हुआ, उसको कर लेते बात खत्म। पर उसके लिए कुछ फॉर्मूले याद होना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले लिख लो कॉपी में, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, उसके बिना ये क्वेश्चन नहीं होगा।
फर्स्ट एनपीवी का फॉर्मूला बताओगे क्या होता है? ये आपको याद करना है। पीआई का फॉर्मूला पीवीसीआई कैसे आता है अगर हर साल का सीएफईटी हर साल का कैश फ्लो एक जैसा है? कैसे निकलते थे याद है आपको? हाँ, एनुअल सीएफईटी ले लेते थे या कैश फ्लो ले लेते थे, मल्टीप्लाई करते थे प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर। लेकिन यहाँ जो रेट लेते थे वो कौन सा, आईआरआर वाला रेट लेते थे क्या? नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको आप डिस्काउंटिंग रेट हो, यहाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आईआरआर वाला रेट ले लेंगे तो क्या होगा रेट? अगर मैं आईआरआर ले लेता, रेट वैसे 15% आ रहा है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पर मैं आईआरआर वाले रेट से अगर डिस्काउंटिंग करता हूँ तो फिर ये पीवीसीआई नहीं आता, एक्चुअल में क्या आ जाता मालूम है? पीवीसीओ आ जाता। बात समझ में आ रही है? रेट अगर मैं आईआरआर वाला ले लेता हूँ तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ही आ जाता है, इक्वेट ही करने के लिए लेते हैं हम लोग। इट मीन्स दूसरे शब्दों में बोलूं, अगर पीवीसीओ या कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकालना है तो सीएफईटी ले लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर्स। पर यहाँ इम्पोर्टेंट बात क्या हुई कि यहाँ जो रेट लेते होगा ना आप, कौन सा वाला? आईआरआर वाला। क्योंकि आईआरआर वाले रेट से अगर डिस्काउंटिंग करता हूं तो वो एक्चुअल में पीवीसीआई नहीं आता, वो पीवीसीओ आता। हम इक्वेट करने की कोशिश, ठीक है? 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और रिपीट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुए इसलिए मैंने इस पर ज्यादा फोकस। ये चार फॉर्मूले याद हो जाएंगे आप लोगों को। तो चलो चैलेंज, अब क्वेश्चन बनाओगे तो देखते। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए। सी हाँ जी, एक तो बुक में ना आंसर भी नहीं लिखा होना चाहिए, और लिखा भी तो गलत ले, ये सब पता रहता है तो आप फटाफट से निकाल देते, पर एक बार चलो पढ़ लेते। लिखा गिवन बिलो आर द डेटा ऑन कैपिटल प्रोजेक्ट। सबसे पहले लिखा एनुअल कैश इनफ्लो, मतलब सीएफईटी, यूजफुल लाइफ है 4 साल, आईआरआर का रेट कितना दिया है 15%, पीआई दिया है 1.064 और सर्विस दिया है 0, और आपको चार चीजें निकालना है और एक एक का 2.5 नंबर, मतलब कितना, 4 2.5 मार्क्स मिलेगा, टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन। आप अपना काम करते रहो, मैं अपना करूंगा। तो पहले कोई रूल्स है कि पहले हमको कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ही निकालना? ऐसा कोई रूल्स नहीं है, आपकी मर्जी, आपको जो पहले निकाल। ये तो सब लिखा हुआ है, बस
फैक्टर दिया तो फैक्टर को यूज करो, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट अभी समझाया था, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में सीएफटी को किससे डिस्काउंटिंग करोगे, कौन से वाले रेट से, आईआर। पंद्रह परसेंट के हिसाब से ये कितना आ रहा है टोटल, 2.85। दूसरा क्या निकालने हैं, पे बैक पीरियड। हाँ हाँ मैं पीछे चल रहा हूँ, आप सब बच्चे एक जैसे होते, लेकिन इतना तो मेरी समझ में आ गया, चाहे दो बैच पहले के बच्चे हो चाहे अभी के, फॉर्मूला क्यों लिखेंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे हम तो। हाँ भाई इतना पैसा लगा है, हर साल 60-60 हजार आ रहा है, तो सीधा फॉर्मूला लगा दो, मैंने लिखवाया अभी। सर आंसर तो वही आएगा ना, हाँ आंसर तो वही आएगा, पे बैक पीरियड का फॉर्मूला था किसी जमाने में पढ़ा था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। हाँ एग्जाम में तो बिल्कुल बात करने का टाइम रहेगा आपके पास। दुखी होने की जरूरत नहीं, 5 नंबर तो मिलेगा ही ना किसी भी हालत में, बाकी बाद में सोच। एनपीयू निकल गया क्या, एनपीवी का फॉर्मूला होता पीवीसीआई माइनस पीवीसी। आगे क्वेश्चन ऑफ कैपिटल, अब दो और बचा हुआ सोचो, मैं होता तो सबसे पहले एनपीवी निकाल, हाँ
बात तो सबसे पहले मैं लिखूंगा, तू निकल गया वो क्या निकला है? एनपीवी। ठीक है, पीआई दिया हुआ है और पीआई का फॉर्मूला होता है पीवीसीआई डिवाइडेड बाय पीवीसीओ, और पीआई कितना दिया है यार? 1.064 और पीवीसीओ मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना है? 1.7। तो पीवीसीआई तो निकल ही सकता, 1.8। एनपीवी का फॉर्मूला होता पीवीसीआई माइनस 1.8226 3.20 माइनस 1.71। एन पे भी कितना आ गया? 1.096 3.2। ठीक करना पड़ेगा। तो लगभग सारा क्वेश्चन 99% मैंने बता दिया, 1% आप कर सकते हो। मेरा क्वेश्चन ये है, पीवीसीआई निकालने का पीवीसीआई मालूम है कि आपको? हाँ। सीएफएटी भी मालूम है क्या? हाँ। फैक्टर मालूम है क्या? नहीं। पर क्या फैक्टर दिया हुआ है? अगर इस क्वेश्चन में सोचो, दिया हुआ है, पर प्रॉब्लम है यार, एक दिक्कत ये है कि हमें इंडिविजुअल फैक्टर की जरूरत नहीं है, हमें टोटल की जरूरत है। तो हम बाद में टोटल मार के देख लेंगे। सबसे पहला काम ये होगा कि आप फैक्टर निकालो। कैसे निकलेगा समझाने की कोशिश करो। मतलब मुझे पीवीसीआई से, हाँ मैं पीवीसीआई से ही करने वाला हूँ। देखो मेरी बात, हाँ अल्टीमेटली वही है वो। मेरा ये क्वेश्चन है कि फोर्थ नंबर पे हमको क्या निकालना है? हमको निकालना कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और पीवीसीआई ये हमको पता है, और एनुअल कैश फ्लोस, एनुअल सीएफएटी को मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर। हमको पीवीसीआई कितना दिया है यार? 1.8226 3.20। सीएफएटी मालूम है कितना? 60,000। और इनटू प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर निकाल लेंगे तो पीवीएफ इज इक्वल टू फैक्टर निकल जाएगा 1.8226 3.20 डिवाइडेड बाय 60,000। तो फैक्टर कितना आ गया? 2.3037। अब ढूंढना पड़ेगा कि कौन से फैक्टर पे, कौन से परसेंटेज में। तो यार एक काम करते, यहां से हम ऐड करना स्टार्ट कर देते शायद तक। इधर से आ गया क्या? किस्मत अच्छी, इधर से आ गया और इधर क्या आ गया? 3.037 चल जाएगा।
DOC is equal to कल्पश और इसका कितना आया था 13 का टू पॉइंट 9714। अब सुनो मेरी बात आखिरी, किस्मत अगर खराब होती, आज तक सीए इंटर में किस्मत किसी की खराब नहीं, क्वेश्चन बहुत अच्छा आया, अगर किस्मत खराब होती और ये आता 3 पॉइंट ऐसा, फिर क्या कर, अगर ऐसा आता 3 आता तो 13 लेते कि 12 लेते, फिर आप नहीं, अगर आप एनपीवी भी नहीं निकालते तो भी हो सकता था, एनपीवी से तो फाइनल आ ही जाएगा कि 13% पे इतना है, 12% पे इतना है, तो 3 कितने फिट, अगर बुरा से बुरा होता तो। आज तक ऐसा नहीं हुआ है, आज तक जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में आपको मिल ही गए हैं तो टेंशन नहीं करो। हाँ, उससे भी मैंने समझाया कि कैसे करना फैक्टर को लेकर, ठीक है, पर यहां कोई दिक्कत नहीं है तो सीधा सीधा उठाना, होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 33, एक क्वेश्चन पे एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लेना। होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 34, सब एग्जाम के क्वेश्चन है, सारे एग्जाम के। होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 35, बस